रुड़की का सरकारी अस्पताल यानी कि राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की अपने विवादों से चर्चाओं में बना रहता है। यहां फिर एक बार विवादित मामला सामने आया है। मामला लगभग 5 दिन पुराना बताया गया है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के 84 जबरदस्तपुर में नाली में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। घायलों के परिजनों ने मेडिकल के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाने लगे। मौके पर मौजूद युवक उन्हें मिला, जो अपने आप को अस्पताल का स्टाफ बताकर डॉक्टर के नाम पर 20,000 रुपए लेकर मेडिकल कराने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित ने मामले की जानकारी सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल को दी। डॉक्टर संजय कंसल ने लिखित शिकायत दर्ज कर हरिद्वार सीएमओ को इस पूरे मामले से अवगत कराया। सीएमएस ने कहा कि इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। उन्होंने हमारे से पैसे दिया कि 30,000 रुपए इस सरकारी हॉस्पिटल में। हमें ये मालूम है कि कुछ पैसे डॉक्टरों पर जो भरने के लिए गए हैं इलाज के लिए, उसके बाद करीबन 5 घंटे के बाद हमारा मेडिकल हुआ 12 मिनट करीब जी। पैसे उन्हें हम जान देंगे, चाहे हम वो बोल रहे थे हम तो डॉक्टर ही डॉक्टर के पास रहते हैं, उन्होंने पैसे दिए। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी 2 दिन में एक मामला सामने आ रहा है संज्ञान में, कोई मेडिकल के नाम पर पैसे मांगे गए हैं, उससे पैसे भी लिए गए हैं, सर क्या है पूरा मामला? शनिवार को मेरे पास आई थी, पार्टी के द्वारा सूचित किया गया है कि इमरजेंसी में उसके द्वारा चिकित्सक के द्वारा पैसे लिए गए हैं, तो मैंने तत्काल उसमें उनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। उनको लिखना नहीं आता था, मैंने अपने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया और एप्लीकेशन लिख पा के, और हम उसमें एक जांच कमेटी बना रहे हैं, और इस संबंध में मैंने सीएमओ हरिद्वार को भी पूरा सूचित कर दिया है कि जो भी अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन उसमें लिया जाएगा। कौन है डॉक्टर? अभी नाम बताना सही नहीं है, देखना पड़ेगा ड्यूटी पर कौन कौन था, कौन कौन स्टाफ ड्यूटी पर था। ठीक है, मामले पहले भी संज्ञान में आए हैं सर, लगातार आपकी तरफ से कार्रवाई भी होती रहती है इस संबंध में। पहले भी जो एक दो डॉक्टरों की शिकायत आई थी, दोनों को हटा दिया था, और अगर अब भी कोई दोष सिद्ध होता है तो सख्त से सख्त एक्शन जो भी होगा उसमें। लेकिन पार्टी की तरफ से डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग थे जो बाहरी थे और उन्होंने अपने यहाँ स्टाफ बता करके डॉक्टर के नाम से पैसे लिए। हालांकि इसमें पूरी जांच की जाएगी, हालांकि ये भी नहीं पता है कि इसमें कई डॉक्टर ही इन्वॉल्व है या फिर वही दलाल। वही जाँच का विषय है पूरा का पूरा, उनके भी बयान दर्ज होंगे और हम सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा लेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि वहाँ पे उस दिन कौन कौन डॉक्टर ड्यूटी पे था, किस टाइम का मेडिकल बना हुआ है, और कौन कौन स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी पे था है, जो भी होगा सभी के विरुद्ध सही कार्रवाई की जाएगी।